राजस्थान का एक खूबसूरत प्रदेश उदयपुर, झीलों का शहर। प्रकृति ने पल पल सवारा है इसे। इसका अपना एक अलग इतिहास है। आज भी इसका वैभवपूर्ण अतीत झांकता है यहाँ की कलात्मकता और जीवन दर्शन में। यहीं से हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अरावली पहाड़ियों में बसा है जनजाति जिला डूंगरपुर। डूंगरपुर नगर से पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी पर है एक छोटा सा गांव मांडवा, जहां है एक अजीब सी खामोशी। शहरी जीवन के विकास से अछूते इस गांव में है ऊंचे नीचे रास्ते, दूर तक जाती टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां और छिटके हुए से घर। शायद ये सब बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, और सच ये भी है कि आज भी दिए की लौ में टिमटिमाता है ये गांव। मगर फिर भी कुछ तो ऐसा सच जरूर होगा जो हमें यहाँ तक ले आया, क्योंकि यहाँ के विद्यालय में है एक ऐसा शिक्षक जो पिछले कुछ वर्षों से बच्चों के लिए शिक्षण के नए नए साधनों की तलाश कर रहा है। उसकी अपनी कल्पना के बहुत से रंग थे, जरूरत थी एक कर्म क्षेत्र की। वो मिला विद्यालय का ये आंगन। बच्चे और उनका भोला मन क्या चाहता है, इसे समझने का प्रयास किया इस शिक्षक ने और एक नई शुरुआत की। शिक्षा क्या आनंदमयी हो सकती है, ये संदर्भपूर्ण प्रश्न बार बार शिक्षाविदों के सामने उभरते रहे हैं। यहाँ इन प्रश्नों के हल खोजने की कोशिश की गई। बच्चों के चेहरे फिर से खिलने लगे और उनके मन की छोटी छोटी कल्पनाओं ने उड़ान भरना शुरू कर दिया, वो उड़ान जो उनकी दुनिया को खुशियों से भर दे। रोज बनवा आवनो पाटी पोती पेड़े हरा जम। पहला पाठ स्थानीय बोली में, जो शायद सबसे पहले शिक्षक और विद्यार्थी में एक अटूट बंधन कायम करता है। ये चेतना का गीत शिक्षक ने स्वयं रचा है और कितनी तन्मयता से बच्चे इसे गा रहे हैं। इसका संदेश है कि रमला, तुझे बार बार कहना है, स्कूल पढ़ने जाना है, स्लेट किताबें सब कुछ वहां मिलेगा। अक्षर अक्षर याद करने से लिखना सीखेंगे और अक्षर अक्षर पढ़ने से पढ़ना आ जाएगा। अपने को ट बनाना है, टन टन का ट, और ये ट अपने को नवाचार से अभिप्राय है। विद्यालय में नव प्रविष्ट बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देना, मगर उनकी अभिरुचियों को समझकर, जैसे घंटे की ध्वनि टन टन से ट अक्षर लेकर रेत के गड्ढे में लिखने का अभ्यास, या मिट्टी के खिलौनों से वर्णमाला का परिचय, रंगीन कंकड़ों से गिनती का ज्ञान और पर्यावरण के महत्व की जानकारी प्रकृति के सानिध्य में कराना। का के लिए सबसे पहले सीधी रेखा, डांडो। इसीलिए इस शिक्षक ने रेत के गड्ढे को शिक्षा का माध्यम बनाया। बच्चों का मस्ती से रेत पर बैठना और खेल में ही कुछ लकीरों से वर्णमाला सीखना। अब वापस इसी जगह पे रखिए रेखा, फिर आधा गोला, ढक्कन, ये क्या बन गया, क, क्या बन गया, क, कमल का, कबूतर का। तो बच्चों अब अपन त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तराजू का, तलवार का। तो त बनाने के लिए सबसे पहले अपन डांडा खींचेंगे, सीधी लकीरी, बोलो डांडा, बोलो सब डांडा, सीधी लकीरी। अभी सीधी लकीरी के बीच के अंदर अपनी डंडी को बीच में रखिए, सीधी रेखा,
डकना, अपनी बोली में डाकनू। अभी क्या बन गया बोलो? तो तलवार का तराजू का अपने को ट बनाना है। विद्यालय में ऐसी आजादी की कल्पना कुछ असंगत जरूर लगती है, मगर इस शिक्षक के सफल प्रयासों को देखकर हमारी पूर्व निर्धारित सभी शंकाएं दूर हो गई। साधारण शब्दों में शायद सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा माना जा सकता है। यहाँ अक्षर सिखाने के कितने ही साधन संजो लेता है अकेला शिक्षक। और सच ये भी है कि इस शिक्षक ने बड़े मनोयोग से इस शिक्षण सामग्री का निर्माण स्वयं किया है। अब अपने जो रेत के गड्ढे पे अभ्यास किया था, वो ही अपने को टॉप अपने अपने स्लेटों पे लिखना है। सभी अपनी स्लेटर ले हाथ में। अब मैं दूसरा अक्षर मेरे हाथ में ले रहा हूँ, म। क्या है ये? म मछली का। आप सब म लिखेंगे जमा करके। म, म मगर का। म, ये न, इस न की आकृति कैसी है हमें अपनी स्लेटों पे न न बनाना है। ये मेरे हाथ में क्या है? नल। नल से क्या बनता है? श्याम पट पे मैंने क्या लिखा? अब मैंने ये जो अक्षर लिखे हैं, किन किन को ये अक्षर आता है वो अपना हाथ खड़ा करे वहां से। हाँ, वहां बैठे बैठे सुखलाल बताएगा ये क्या है। का। हाथ रख दीजिए। हजारा आप बताइए क्या है। तो आप बताइए क्या है। ये मैंने क्या लिखा? और ये क्या है? अच्छा, ये दोनों मिला के क्या हो गया? अच्छा, तन किस किस को पढ़ने आता है? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ रख दीजिए। आप बताइए क्या लिखा मैंने? ये तना। ये क्या है? रा। ये मैंने क्या लिखा? ता। और ये क्या लिखा? ना। अभी तीनों अक्षर मिलाकर के क्या हो गए? पहले ने कहा हम बाग में चले। पहले ने कहा हम बाग में चले। दूजे ने कहा हम क्या करेंगे। दूजे ने कहा हम क्या करेंगे। तीजे ने कहा हम पेड़ पे चढ़ेंगे। तीजे ने कहा हम पेड़ पे चढ़ेंगे। चौथे ने कहा हम आम तोड़ेंगे। क्या कभी हमने अपने बचपन में इतने संगीतमय और रंगीन गणित की कल्पना की होगी? यहाँ गिनती के आधार हैं कुछ रंगे हुए कंकड़। और देखने की बात यह भी है कि अंकों की जानकारी के साथ साथ बहुत आसानी से करा दी गई रंगों की पहचान। अपन बाकी जोड़, इनकी गिनती और साथ साथ में रंग की पहचान करेंगे। सबसे पहले लाल लीजिए, लाल कंगड़ी जल्दी से। लाल के बाद में सफेद उठाई है, सफेद कितनी होगी हाथ में? दो। पीली उठाई है, कितनी हो गई? अब आप हरी ले लीजिए, कौन सी लोगे? हरी। कितनी होगी भाई? चार। सब बोलो कितनी हो गई? चार। अब इनमें से अपन सबसे पहले सफेद कंकड़ उठा लेंगे, सफेद के बाद में लाल को ले लेंगे। मेरे हिसाब में कितने कंकड़ हो गए? दो। आपके हाथ में कितने हो गए? दो। इस हाथ में कितने कंकड़ हैं? दो। अगर दो और दो में मिला तो कितने होंगे? चार। चार। अब मैं एक आसमानी ले रहा हूं तो कुल कंकड़ कितने हो गए? पांच। अपने इस हाथ के अंदर उंगलियां कितनी है? चार। और अब कितने हो गए? पांच। ये कितनी उंगलियां हैं? तीन। ये क्या लिखा हुआ है? तीन को पहचानते हैं आप? कौन कौन पहचान था? हाथ खड़े कीजिए। बहुत बढ़िया, हाथ रख दीजिए। अब मेरे एक हाथ में ये क्या है? घोड़ा। और ये क्या है? कुत्ता। बहुत सुंदर। ये कितने लिखे हुए हैं? दो। और ये कितने लिखे हुए हैं? चार। ये कितने? ये शिक्षक पूरी तरह से जुटा है शिक्षा के योगदान में। यहाँ शिक्षण सामग्री के अनुसार वो अपनी कक्षा में बच्चों के बैठने की व्यवस्था को बदल देता है।
ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो कक्षा को एक त्रिभुज के आकार में बैठाता है। सबसे आगे सबसे ज्यादा बच्चे, फिर कम और सबसे बाद में बहुत कम। इससे वो सभी पर नजर रख सकता है और तरह तरह के शिक्षण साधनों का उपयोग करना हो तो बच्चों का गोल घेरा बनाता है। इस विधि को अपनाकर शिक्षक हर बच्चे को अपनी बात आसानी से समझा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों की विषय की अभिव्यक्ति में भागीदारी भी बनी रहती है। अच्छा, इस घड़ी का आकार कैसा है? इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। क्या कहते हैं? त्रिभुज। याद रहेगा? एक ये रेखा और एक ये रेखा, ये दोनों बहुत ज्यादा लंबी है और ये दोनों छोटी छोटी है, इसको कहते हैं आयत। आयत क्या कहते हैं? ये भी हो सकता है कि इसे कक्षा में हर दिन नयापन महसूस हो। ये नयापन और कैसे लाया जा सकता है? शायद अपने आसपास से जुड़कर, पहचान कर। कैसे? कक्षा की चार दीवारी से बाहर निकलकर, क्योंकि अब बारी है पौधे लगाने की। इस गड्ढे के अंदर मैं इस पौधे को लगा रहा हूँ। खाद डालिए। आप पानी डालिए इसमें, थोड़ा सा भर दीजिए इसको थोड़ा सा। इन पौधों से हमें बहुत ही फायदे हैं। ताजी हवा के साथ साथ में इनसे हमें फल मिलते हैं। पौधे जितने ज्यादा होंगे उतने ही पेड़ बनेंगे। ये पेड़ हमें वर्षा के अंदर भी मदद करते हैं। उधर देखिए, ये गुलमोहर का पौधा लगाया जो पहले लगाया था, ये बारह मास हरा रहता है, इसमें लाल फूल लगते हैं। और इस अशोक पेड़ के ऊपर जब ये बड़ा होगा तो इसके फल हैं, वो फल के खास तौर से बीज हैं, वो खाने के काम में आते हैं। तो आज हमें ये दो पौधे लगाए, भविष्य में जाकर के बहुत बड़े पेड़ बनेंगे, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे और पर्यावरण को शुद्ध करने में इन पेड़ों का बहुत ही महत्व है। सोमासा में साटा पड़ी, सोमासा में साटा पड़ी, नर्सरी पौधा लावो, नर्सरी पौधा लावो, वक्त माते हिणा खाड़ा में, वक्त माते हिणा खाड़ा में, पौधा तमे लगावो भाई, पौधा तमे लगावो भाई, थोड़े थोड़े लगावो पौधा, थोड़े थोड़े लगावो पौधा, बीजो रस्तो कहने है, बीजो रस्तो कहने है, गोरनी तो होड़े होड़े, गोरनी तो होड़े होड़े, कितरनी तो हिरे। पौधे क्यों जरूरी है? इसे समझाया गया है एक गीत में। अपनी भाषा हो और हो एक मधुर धुन, फिर क्यों ना झूम झूम उठेगा मन किसी का भी। ये बच्चे कितनी सहजता से कंठस्थ कर रहे हैं पौधों की विशेषताएं। पेड़ होंगे तो वर्षा होगी। पेड़ लगाए जाते हैं वर्षा ऋतु में। पेड़ जरूरी हैं हर जगह, घरों के पास, खेतों, पहाड़ों पर, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करते हैं पेड़। बच्चों ये क्या है? धतूरी। ये क्या है? धतूरी। ये कौन सा रंग का फूल है? पीला। पीला कौन सा है? पीला। पीला इस पर काटे, इस पर क्या है? काटे। काटे। ये रास्ता कैसा है? उबड़ खाबड़ कैसा है बेटा? उबड़ खाबड़। ये फिर आ गया, ये रंग कौन से रंग का फूल है? पीले रंग का। कौन सा रंग का? पीला। इसके पास बहुत सामने पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ कहाँ दिख रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ बताइए। पहाड़ों के ऊपर दीवार जा रही है। क्या जा रही है? दीवार। पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए, नए पौधे लगाने के लिए उस पहाड़ के ऊपर देखो सीधी रेखाओं के अंदर खुदाई की है। क्या किया है? खुदाई, समतल किया है इसको ताकि वहाँ पौधे लगेंगे। क्या लगेंगे? पौधे। अच्छा, इस पानी के अंदर देखिए कि पानी के अंदर देखो ये बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे भी उग रहे हैं। उग रहे पौधे? अच्छा, आपने जो नाव चलाई थी वो नाव कहाँ जा रही है? वो तैर रही है। उधर देखिए, ये तालाब की पाल है। किसकी पाल है? तालाब की पाल। ये पाल बड़ी मजबूत है। कैसी है? मजबूत। अगर कमजोर होती तो पानी बाहर निकल जाए। ये काई बारीक है, ये काई भी इसी के अंदर। पर्यावरण क्या है? कमल। ये
ये सब किताब के पन्नों से शायद अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता। इसके लिए जरूरत है प्रकृति को देखने, पहचानने और महसूस करने की। संभवतः इसीलिए ये शिक्षक बच्चों के साथ साथ घूम घूम कर देख कर छू कर कराना चाहता है प्रकृति से परिचय। रामचंद्र कौन है? रमेश है? सर हूँ करो माते हूँ करो अमली खावा सर जी जोर में बोला हूँ खावा सर जी अभी तो उतर पड़ो आश्चर्य तो इस बात का है कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। पर कभी कभी यूं भी लगता है कि ये शिक्षक है या इन बच्चों का कोई रिश्तेदार। शायद संबंधों की परिभाषा से बहुत अलग जीवन जीता है ये शिक्षक। कभी तो मार्गदर्शक बन जाता है पूरे समाज का, अभिभावकों से संपर्क करके उन्हें सफाई और स्वास्थ्य के बारे में सचेत करता है और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बार बार प्रेरणा देता है। इन विशेष प्रयासों का प्रभाव दिखाई देता है इस जांच तालिका में, जिसमें काफी कुछ झलकता है बच्चे का विकास। विकास शायद निर्भर करता है पठन पाठन की सामग्री पर। शिक्षक अगर चाहे तो शिक्षण सामग्री को मन चाहा रंग रूप आकार दे सकता है, जैसे कि इस शिक्षक ने कुछ रेखाओं और कुछ अक्षर चिन्हों के चार्ट्स नव प्रविष्ट विद्यार्थियों को वर्णमाला, मात्राओं और गिनती की पहचान कराने के लिए बनाए हैं। प्रयत्न और सफलता, क्या इनका आपस में कोई संबंध है? शायद है। इसीलिए ये शिक्षक रोज एक नए से नया प्रयोग करता है। और इन प्रयोगों से कौन परिचित होना नहीं चाहेगा। गोविंद जी, ये शिक्षण सामग्री के रूप में आपने मगर जो रखा है, इस मगर के बारे में जो है वो बालक को आप कैसे जानकारी दोगे? क्योंकि बालक जिस वातावरण से आ रहा है उस वातावरण में तो बालक ने कभी मगर देखा ही नहीं। मगर के बारे में, चूंकि मगरें आसपास में है नहीं, लेकिन मगर के वो आकार बता करके बच्चों को मगर से म, मछली से म, इसलिए इस मगर को बच्चों के द्वारा निर्मित कर और छोटे बच्चों को म का आभास कराने के लिए, म के आकार प्रकार को बताने के लिए इस मगर को मैंने बनाया है और मगर को मैंने इस शिक्षण सामग्री में जोड़ा है। बचपन की आंखों में कौंधते हैं ढेर सारे प्रश्न, जिज्ञासाएं और आकांक्षाएं। हो सकता है इन बच्चों का छोटा सा मन वो सब चाहता हो जो इन्हें नहीं मिला। और सच ये भी हो सकता है कि शायद इन्हें संभावनाओं का आकाश बहुत पास दिखाई देता हो। कुछ तो जरूर होगा, शायद इसीलिए ये बच्चे अभी से तैयार हैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। क्या आप साथ देंगे? मेरी इच्छा है कि शिक्षक बंधु इस नवाचार का प्रयोग करते हुए बालक के शैक्षिक जीवन को सुदृढ़ प्रदान कर देश को निरक्षरता के कलंक से मुक्ति दिलाएंगे। विद्यालय के परिवेश में अक्सर अड़चनों और अभावों की बात सुनाई देती है, मगर कभी कभी ये लगता है कि अभाव हमारे मन में होता है। अगर बदल लें हम अपने अपने मन की सोच, तब शायद उपलब्धियों के ऐसे शिखरों तक पहुंचा जा सकता है। बच्चे और शिक्षक, कितना फासला है इन दोनों में, ये तो स्वयं शिक्षक तय कर सकता है। वो चाहे तो ये फासला रखे या इसे मिटाकर बच्चों का अंतरंग मित्र बन जाए। विकल्प हैं, बात शायद सिर्फ शुरुआत की है।
और सच ये भी है कि शुरुआत कहीं भी कोई भी कर सकता है। जरूरत है आत्मीयता की और उस एक और रिश्ते की।